वैसे फाइनली हम लोगों को बाइक मिल चुका है एंड चेक इट आउट गाइस, हियर इज आवर द माइटी R1, द ब्रूटल बाइक। ए बॉय सैमी, मीटअप पे यही धमाका रिवील करेगा तू। ये बाइक चैंपियन बाइक है, समझ सकते हो इसमें क्या क्या लोडिंग से, मतलब फुल्ली लोडेड बाइक है ना ये। चेक आउट द अवंती एयर, कितना प्यारा लग रहा है भाई, फुल एकदम चक्का जाम वाला सीन होने वाला है इस बार। फाइनली डिलीवरी का डेट फाइनल हो चुका है, तो हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं यहाँ पे पिट स्टॉप पे 30 May। यहाँ पे आप आंटी का आवाज सुन सकते हो भाई, यहाँ पे देख सकते हो आमिर भाई अपना बॉडी दिखा रहा है। दिल्ली की स्ट्रीट्स पे मैं और सामी खा रहा हूँ। यामा R1 ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यार मैं BMW S1000 RR नहीं लूंगा। लुक एट द आईज गाइस, सो रेडियो गाइस, इसका भी भाई डिलीवरी बहुत जल्द होने वाला है। कैसे हो भैया? कौन है भाई? बियर बाइकर फैमिली फ्रॉम कोलकाता। कुछ नहीं है, अगर पैसा देके किया तो फाइनली आमिर भाई आ चुके हैं मुझे लेने के लिए इंडियन लैम्बोर्गिनी पे। ये देख सकते हो आज साफ करा ले भाई आज। गाइस यार आप लोगों को एक गुड न्यूज देता हूँ, हम लोगों ने फाइनली एक R1 ढूंढ लिया है जो कि मेरे बजट में भी आ रहा है। जो R1 हम लोगों को मिला है ये सबसे ज्यादा लोडेड है, मोस्ट लोडेड R1। एंड और एक बात है कि ये R1 ना भाई दो बार इंडिया में चैंपियनशिप भी जीत चुका है। तो चीज अब मैं बताता हूँ, अब क्या मेन प्रॉब्लम क्या, जब से ये वाली सीरीज स्टार्ट हुई है ना हमारी उत्तराखंड, या जब से मैं दिल्ली आया हूँ तब से ना मेरी और सैमी भाई की एक प्रॉपर ड्रैग रेस ना हो ही नहीं पाई है। वही नहीं, बाइक ही नहीं है, बट अब क्योंकि मेरे पास बाइक ही नहीं था, अब सैमी के पास बाइक आ रही है, मतलब कि प्रॉपर ड्रैग रेस होगी। तीन सौ के ऊपर जाता है क्योंकि यार गाइस ये जो बाइक है ये फुल्ली लोडेड बाइक है, एकदम से ब्रूटल है, ऊपर से फ्लैश किया हुआ है, ठीक है, इसी यूनिमैप से पावर कमेंडर भी है, मतलब क्या ही बताओ, तुम लोगों को मजा आ जाएगा भाई। मैंने सोचा नहीं था कि हम लोगों को ऐसा एक R1 मिल जाएगा, तो थैंक्स टू प्रिंस भाई अपना डेविल किंग जिसने हम लोगों को ये बाइक ढूंढ के दिया। गाइस यहां पे देख सकते हो आमिर भाई अपना बॉडी दिखा रहा है। हाँ भाई हाँ, हम दोनों मोटे तो गाइस यार मैं भी मतलब एक हफ्ते से बस दो ही कपड़ा पहन रहा हूँ भाई, यही येलो टी शर्ट और एक टी शर्ट पहन रहा हूँ, मतलब कि अभी फिलहाल के लिए। तो हम लोगों को ना डिलीवरी विलीवरी के लिए भी एक दो कपड़ा चाहिए, तो इसीलिए हम लोग कपड़ा उठा रहे हैं भाई। एंड हम लोगों को कहीं पे राइड पे भी जाना है, और सैमी भाई को ना भाई अब एनी टाइम फिटनेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, बहुत मोटे हो रहे हैं। तो गाइस देखो हम लोग ना ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसीलिए ना ज्यादा कपड़ा मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ, एक दो कपड़े कैरी कर रहा हूँ, उसके बाद अगर गंदा हो गया तो फेंक दे रहा हूँ उसको। आमिर के वास्तव में क्या करता है, फेंक देता हूँ भाई, धोने वाला है ही नहीं कोई साथ में, मैं वॉशिंग मशीन साथ रखा हूँ। वो तो बात है भाई, दो महीने से घर से बाहर निकले। तो गाइस देख सकते हो हम लोगों ने कपड़ा चेंज कर लिया है एकदम से। एसी चला ले भाई, गर्मी लग रहा है क्या, तो पिट स्टॉप चल रहा है, कुछ खा लेंगे क्योंकि यार सुबह से कुछ भी नहीं खाया हम लोग। गाइस चेक कर सकते हो यहाँ पे बनी भाई का नया बाइक, क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। बाप रे बाप, दहल का मचने वाला है भाई, माय गॉड, एक बार दिखाओ। भाई क्या खतरनाक चीज करी था भाई। चेक आउट द अवंती एयर, कितना प्यारा लग रहा है भाई, देख रहे हैं यहाँ पे आप अवंती का आवाज सुन सकते हो भाई, खतरनाक भाई, खतरनाक। देख तो भाई ऑलरेडी तहलका मच चुका है भाई। यार फाइनली डिलीवरी का डेट फाइनल हो चुका है, तो हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं यहाँ पे पिट स्टॉप पे 30 May जो कि है इस संडे को, ठीक है, इस संडे को। तो हम लोग मीटअप रख रहे हैं भाई कुछ 3 से लेके 4 बजे के अंदर में, आ जाना यहाँ पे। आमिर भाई का नया BMW का रैप भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, एंड खतरनाक सा बनाया
एकदम भाई, और पूल एकदम चक्का जाम वाला सीन होने वाला है इस बार पुलिस आई मैं तो भाग जाऊंगा पता नहीं भाई क्या सीन होने वाला है। एंड पिट स्टॉप कहाँ पे है मैं बता देता हूँ, ये रहा वेस्ट दिल्ली कावासाकी, ये देख सकते हो एंड उसके बाजू में ही है भाई। आज ये सारे के सारे चंडीगढ़ से आ जाइए, उत्तराखंड से आ जाइए, हर एक जगह से आ जाना। यहाँ पे ग्रैंड मीटअप होने वाला है, क्या होने वाला उधम तब ये देखो कहता है ना वो होने वाला है। एकदम भाई खतरनाक सीन होने वाला है आज, तो ये चीज मिस मत। एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट जो बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगा एकदम से अलग है, एकदम सरप्राइज वाला चीज है। जो तुम लोग सोच रहे हो कि यामा R1 ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यार मैं BMW S1000 RR नहीं लूंगा। मैंने ना ये सोचा है कि अपना कलकत्ता में ऑगस्ट में ये जो रेड चेरी है रेड S1000 RR प्रो मॉडल आ जाएगा ऑगस्ट तक, तो मेरा बर्थडे भी आता है 13th ऑफ अगस्त को, तो मैं ये सोच रहा था कि भाई ऑगस्ट में डिलीवरी लेंगे तो कितने मजा आ जाएगा। एंड उसके बाद तो यार भाई सेप्टेम्बर अक्टूबर में पूजा भी है, तो एकदम फुल तवाई मच जाएगा। अपने पास रहेगा टोक्यो एक R1 अगर ये बाइक अपने को कलकत्ता में मिल जाता ना इस टाइम पे तो शायद इसी बाइक का मैं डिलीवरी लेता। अनफॉर्चुनेटली अभी कलकत्ता में आया नहीं है, बुकिंग वगैरह सब देके रखा हूँ। तो ड्रैगन आर्म अभी आ चुके हैं सामी भाई यहाँ पे, सामी भाई की बाइक रिवील करनी है हमें फुल पावर। तो वैसे फाइनली हम लोगों को बाइक मिल चुका है एंड चेक इट आउट गाइस। ओ क्या लग रही है तो रिवील नहीं करना अभी, हाँ कर सकता है रिवील मत करना लेकिन नहीं कितनी प्यार से बंद हो रही है देख। ए बॉय सैमी मीटअप पे यही धमाका रिवील करेगा तू, एकदम प्यारी लग रही है भाई। इधर हम लोग जो ये बाइक ले रहे हैं ये बाइक ना पहले था सिमरन भाई का, सिमरन भाई ने पहले 2015-17 में चैंपियनशिप जीता था, कौन सा जेके टायर। तो मतलब कि ये बाइक चैंपियन बाइक है, समझ सकते हो इसमें क्या क्या लोडिंग से, मतलब फुल्ली लोडेड बाइक है ना ये, फुल्ली लोडेड बाइक है। एंड SUV फ्लैश है, SUV फ्लैश एग्जॉस्ट सिस्टम, तो मतलब आप एक चीज बताओ कि इनलाइन फोर से लेके मैं जैसे अभी ZX-Tina चला रहा हूँ, अभी R1 में स्विच कर रहा हूँ और क्रॉसलाइन इंजन है, तो मुझे कैसा लगेगा, मतलब क्या डिफरेंस? राइडिंग पूरा बहुत डिफरेंट है। तो इसमें क्या है आपका थ्रॉटल रिस्पांस बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहता है, मतलब बहुत ज्यादा क्विक है, टॉर्क बहुत ज्यादा ब्रूटल, बहुत ज्यादा ब्रूटल है R1 का इनिशियल। और बाकी देखते हैं अभी लेने के बाद हम लोग राइड पे तो जाएंगे, कलकत्ता तक लेके जाएंगे, उसके पहले तो हमें वैसे ड्राइंग होनी है, ड्रैग रेस करेगा भाई मेरा मेरे साथ S1000, वो हारने वाला है कौन हारेगा बताओ पता चल जाएगा ये देख लो ड्रैग नाम। गाइस यार मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये बाइक 299 में लॉक है या नहीं है? नहीं बताओ। ये मीटर भी 299 पे लॉक है, पर FTECU जैसे फ्लैश हुआ हुआ इसका, तो ये ऑन GPS या फिर जो RPM रेंज रहेगी वो 300 क्रॉस जाती है। तो गाइस यार सो एक्साइटेड, ठीक है समझ रहे हो, फुल पावर एकदम तवाही होने वाला है। मुझे लग रहा है तेरा अवंती स्टेज 2 किया हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है पागल तो हो गया ना। तो मतलब कि 45 मतलब 1.5 महीना लगता है ब्रेंट्यून अगर आने में, और इसीलिए नहीं यहाँ पे राइडिंग गियर्स के रिलेटेड सारे एक्सेसरीज आपको मिल जाएगा, हेलमेट्स हो गया, फिर आपका बूट्स वगैरह हो गया, सब कुछ मिल जाएगा। एंड चेक इट आउट हियर, यहाँ पे एक XR खड़ा हुआ है एंड यहाँ पे और एक XR, ये बेसिकली ट्रैक मशीन है, देख सकते हो यहाँ पे फुल सिस्टम एरो लगा हुआ है। एंड यहाँ पे और एक XR खड़ा हुआ है, देख सकते हो इसमें भी पूरा पूरा पागल बाइक है ना भाई, इसमें रेस फेयरिंग डाला हुआ है देख सकते हो, लाइट्स नहीं है, हाँ हीटर्स लॉक नहीं है, हाँ अच्छा लॉक का वेट निकाल दिया, हाँ पूरा देख सकते हो कार्बन फाइबर का फिनिश यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारे कार्बन फाइबर्स चढ़ा हुआ है देख सकते हो, पूरा चेसी, ये स्लिक टायर से एंड यहाँ पे एक्रोबिक का फुल सिस्टम डाला हुआ है भाई। अगर तू इसको नॉर्मल रोड पे चलाएगा चलेंगे बट पत्थर घुस के फंस जाएंगे, फट जाएगा। तो देख रहे हो भाई स्लिक टायर्स कैसा दिखता है, तो इसमें ना बहुत सारे ग्रिप्स है बट ये ना सिर्फ और सिर्फ रेस ट्रैक के लिए यूज होता है भाई। एंड गाइस यार अभी जो मेन बाइक है ये स्टोर कार सिमरन बाइक है जो सबसे स्पेशल बाइक है। तो गाइस लुक एट दिस BMW S1000 RR जो सिमरन भाई अभी खुद चला रहे, एंड इसका ग्राफिक्स देख रहे हो भाई कितना प्यारा है। एंड यहाँ पे ना मुझे लग रहा था भाई फोटो में पता ये चीज लग रहा था कि ये DRLs है फोटो में जब दिख रहा था बट इसमें लगा हुआ है रेस फेयरिंग्स एंड ऐसे जैसे ट्रैक में जो जो चीजें लगता है स्लिक टायर्स एंड
बाइक तो फुल्ली लोडेड है, यहाँ पे सब कुछ लोडेड है, ब्रेक लाइंस वगैरह भी सब। भाई खतरनाक पीस है भाई, खतरनाक पीस है ये। एक्रोबिक का फुल सिस्टम बेसिकली बीएमडब्ल्यू में क्या एक्रोबिक लगता है ना ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए। जिसको साउंड चाहिए परफॉर्मेंस के हिसाब से एक्रोबिक भाई, जिसको साउंड चाहिए तो एरो। एरो तो गाइस चलो अभी फटाफट हम लोग निकलते हैं यहाँ से, संडे को मिलते हैं आप लोगों से। सारे संडे को आ जाना मेरे भाई, कहाँ से भी है कोलकाता से भी आ सकते हैं मेरे भाई, चंडीगढ़ से भी, जम्मू से भी, देहरादून से भी, कहीं से भी आ जाना, दिल्ली एकदम 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 ओके। यार हरीश भाई ने अपना बाइक मुझे दे दिया है, मतलब कि दो तीन दिनों के लिए, क्योंकि यार दिल्ली में मेरे पास अभी बाइक नहीं है। एंड साथ ही में अपना जेसन पाजी भी आया हुआ है पिट स्टॉप पे, तो पाजी भी मतलब फ़ोन करके बुलाया मेरे को, तो बहुत ही अच्छा लगा कि पाजी ने मेरे को बुलाया फ़ोन करके कि सैमी भाई तो सुनने में आया कि तुम दिल्ली में हो तो आ जाओ, मैं पिट स्टॉप में ही आया हूँ। हम लोग आ चुके हैं भाई, ये रहा अपना ओह माय गॉड पोर्शे भाई साहब, तो ये रहा अपना जेस पाजी। नहीं भैया ऐसा नहीं है कैसे हो भैया? सही है तू बता। बस बहुत दिनों बाद मिले हम लोग, कलकत्ता आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो सुरन भाजी, कलर एकदम मस्त है। इसमें क्या इंजन नहीं है, हमने इंजन बेच के तो गाड़ी के पैसे दिए, तो अगर आगे देखोगे तो आगे भी खाली है। अच्छा, पीछे देखोगे तो पीछे भी खाली है। नहीं तो फिर इंजन किधर है? इंजन है ही नहीं, आगे देख लिया, आप पीछे देख लो। ओके, तो ये बूट स्पेस है फ्रंट में, इंजन किधर है फिर? वाओ, फोन कर रहा था भाई, तुम्हारा नंबर ऑफ आ रहा था। अच्छा। यहाँ पे देख सकते हो भाई इंटीरियर, वाओ खतरनाक भाई यार, साउंड तो एकदम बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया साउंड है। और यहाँ पे अपना हर्ट पावर भाई मिल गया, भाई को फोन कर रहा था, देखिए भाई का नंबर ऑफ आ रहा है। भाई मेरा नंबर वही है, उन्होंने मेरे को फोन नहीं करा, झूठ बोल रहा है। यहाँ पे आओ वैसे क्या हो सकता है, करा होगा भाई, करा होगा, पता नहीं, बट भाई है, अभी खाएंगे पिएंगे बातें करेंगे। तो यहाँ पे सुरन बाजी अपना, हेलो बाजी, कभी मुंबई आएंगे? अरे प्लीज मोस्ट वेलकम। आदतें बिगड़ गई हैं, बीइंग अ यूट्यूबर फ्री में हम जाते नहीं आज। आदतें खराब हो गई हमारी, समझ सकते हो भाई, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हम खरीद सकते हैं, बट आदतें इतनी खराब हो गई, पैसे खर्चते हुए चुपते नो मनी टेक फ्री, सब कुछ फ्री में चाहिए सबको। जो भी हो मैल लग रही थी ना झड़ के नीचे आ गई समो, बट देखो अभी इसने में ज्वाइन किया सैमी, आप लोग समझते हो कौन है भाई, बियर बाइकर सैमी फ्रॉम कोलकाता, आते पिट स्टॉप के अंदर में, तो लेट्स गो गाइस। ये रहा सब बंदे, हां हां ZX 25 बार दिखा रहा हूं आपको, दिखा रहा हूं मैं, अभी बंद करने के बाद दिखा रहा हूं। थाईलैंड से आया ना? हां वहीं से। आप एक बार बता दीजिए कि मतलब जो चीज मैंने इम्पोर्ट करवाया है वो कुछ गलत है, मतलब हो सकता है कि वो इंडिया पे लीगल है लोड नहीं लीगल है, बट ऑडियंस के लिए कंटेंट के लिए तो कुछ नहीं है, अगर पैसा देके किया तो भाई लीगल ही है, बहुत इम्पोर्ट कराते हैं, अभी तो ये शोरूम्स खुल गए हैं, जब ये शोरूम्स नहीं भी होते थे लोग इम्पोर्ट ही कराते थे भाई। एग्जैक्टली, अभी कुछ लोग करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या डर्ट बाइक्स नहीं मिलते, ऑब्वियसली आपको अच्छे ऑप्शन से मिलते हैं, लोग ड्यूटी देके इम्पोर्ट कराते हैं, बाद में उनका पर्सनल चॉइस है उसको रजिस्टर कराए ना कराए, क्योंकि बहुत लोग ट्रैक पे यूज करते हैं, रजिस्टर नहीं करवाते, तो जो करवा सकता है वो करवा भी सकता है, नहीं कराता पर्सनल चॉइस है, नॉट रॉन्ग, यू नो, वो मतलब गंदी सोच गंदी जगह जाएगी, अच्छी सोच मतलब बूम बूम। एग्जैक्टली, मतलब जो लोग बाइक लवर से होते हैं ना भाई, उन लोगों को हर एक बाइक एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो एक मैंने एक ट्राई किया कि लोगों को खुश करने के लिए कि भाई, मतलब मैं तो कह रहा हूँ तूने इसके ऊपर अगर वीडियो बनाई है ठीक है, नहीं बनाई तो डाल सकता है कि पूरा प्रोसेस क्या है, इनफैक्ट तेरे को देखिए शायद मैं भी कुछ इम्पोर्ट कर लेंगे, तेरी हेल्प ले लूंगा ना भाई। तो गाइस यार मैं मिला देता हूँ अजीब, तो जिन लोगों को मालूम नहीं है मैं दिखा देता हूँ, ये देखो मेरा और आमिर भाई का फेस टैटू बना के रखा है भाई ने, दाढ़ी वाड़ी उड़ा दिया, तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है भाई को, क्योंकि यार जब कलकत्ता आया था भाई तब उस टाइम पे ना थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, अब थोड़ा सा डिफरेंट लुक लग रहा है। एनी वे गाइस यार इस साल एक बड़ा प्लान भी बन रहा है, जैसे बाजी भी बोल रहे कि लद्दाख करेंगे, लद्दाख में भाई हम लोग
भी एक साथ जाएंगे एंड जंक्सकर तो करने ही वाले हैं, तो इस साल भाई जंक्सकर एकदम फुल तवाई होने वाला है, तो फुल तवाई होगा भाई। यहाँ पे चल रहा है रेशमी कबाब, खाना पीना थोड़ा सा हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हो सब खा रहे हैं, अभी खा रहे हैं यहाँ पे। कुछ बज रहे रात के 10:30, देख सकते हो, और अभी हम लोग जा रहे हैं होटल पे वापस, तो बाय बाय बोलते सबको। हर्ष भाई बाय बाय, मिलते कल, ठीक है। सुन पाजी मिलते जल्दी, ठीक है पाजी मिलते फिर लद्दाख राइड एकदम डन। हाँ ओके ओके, अरे नहीं नहीं एकदम 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 इस बार एकदम पूरा, ठीक है भैया आते हैं। एकदम एकदम ये तो मतलब पूरा मजा आ जाएगा भैया आते हैं फिर। सुनीत भाई मिलते फिर, अस्सलाम भाई, ठीक है बाय बाय नाइट। इसी के साथ हम लोग इस बार का लद्दाख ट्रिप तो एकदम कंफर्म हो गया, तो बहुत तबाही वाला सीन होने वाले है गाइस, तो आर यू गाइस एक्साइटेड? आई होप सो, आप लोग एक्साइटेड ही होंगे, तो अभी चलते हैं आमिर भाई के पास, लेट्स सी आमिर भाई क्या कर रहे हैं, तो लेट्स गो। फाइनली ट्रेन नाम अभी आ चुके हैं भाई लोग, हम सड़कों पे दिल्ली की स्ट्रीट्स पे, मैं और सभी खाना ढूंढ रहे। अभी मैंने ना पैर पकड़ पकड़ के इसे फोन लिया, मैंने कहा तो मेरा भाई नहीं है फोन ही देगा, अभी इसे फोन तो दे दिया लेकिन छूटने वाला था, नीचे गिरते टूट जाता। अभी मैं और भाई जा रहे हैं खाना खाने के लिए, बुड्ढी के बाल खाएगा, बुड्ढी के बाल भाई बचपन में बुड्ढी के बाल खत्म। देख रहे भाई ये देखो मरा हुआ स्पाइडरमैन, साला केकड़ा लग रहा है, स्पाइडरमैन नहीं लग रहा, डोरेमोन की तरह। भाई शेक पी ले मैंगो वाला, अरे अभी टाइम है भाई, भाई 10 मिनट है, रुक रुक जाओगे और 10 मिनट, 10 मिनट क्या मिलेगा यहाँ, पहले भी खाया है जो सबसे स्पेशल है वो मंगा, मोमोज वगैरह है और भी बहुत कुछ है। क्या है भैया यहाँ पे, मोमोज तो है और अच्छा क्या है यहाँ पे, भाई मोमो मंगा ले, मोमो कर दो भाई, वेज कर दो, एक वेज कर दो एक चिकन कर दो, हाँ नहीं